उनसे बस यही पूछा कि सर ये दवा लगेगा किसको, आप ही ने तो भेजा था दवा के लिए, तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता और तुम बहुत इंक्वायरी कर रहे हो। तो मैं बोला कि सर मैं पूछ तो सकता हूँ, मेरे भाई को चोट लगा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम इधर आओ, तो कॉलर पकड़ करके और हाँ छोड़ दिए। फिर उनका स्टाफ आ गया और मेरी घड़ी इन्होंने निकाल लिया, पता नहीं घड़ी वही पर पड़ी हुई है यार। सर ये तो अच्छी बात है, चलिए। और उसके बाद मेरे पॉकेट में बार बार ये लोग हाथ डाल रहे थे और हाथ छोड़ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गलती क्या किया। अगर गलती समझ में आता तो समझ में आता कि हमने गलती किया, लेकिन बेवजह का इन्होंने हाथ छोड़ा मेरे ऊपर। मारने वाले सात आठ लोग आ गए स्टाफ के, मतलब मैं ये बोला कि मेरे भाई को इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोल रहे हैं कि ये दवा नहीं, मैंने कोई नहीं लिखा। और उन्होंने ही भेजा था कि जाके दवा लेकर जाए। कुछ दीवारदार और मरीजों से और डॉक्टर के बीच में कुछ दिक्कत आई थी और इमरजेंसी सर्विस कुछ ब्रेक हो गया था और हम और सीओ साहब आए और उसको बहाल कराए और सारे मरीजों को सही से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रोवाइड कराई। थैंक यू।